नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर गणेश पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज गुरुजी बहुत सारे बुक्स के साथ बैठे हुए हैं। जी हां, क्या है आपका पूरा मामला, इस वीडियो के माध्यम से हम बताने चाहेंगे कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है, सीचेस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कौन सी बुक आपकी बेस्ट है, किस में आपको पढ़ाई करनी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका लिखा है ऊपर स्टडी गाइड और नीचे लिखा है सीचेस एंट्रेंस एग्जाम। स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो बुक है आपका क्लास 11th का बुक है और ग्रीन कलर का कवर है। कुछ ऐसा आपका इंटरफेस है इसमें और आपका सिलेबस दिया हुआ है पहले पेज पे और कुछ आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें सॉल्व किया गया है। तो यह आपका अरिहंत पब्लिकेशन का बेसिकली बुक है, प्रकाशन का। इसका तो मैं भी बहुत बड़ा ही फैन हूँ। क्या अरिहंत से आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक होंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो बिल्कुल नहीं। आपके इस बुक से केवल आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपका अरिहंत का बुक है। बहुत सारे बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने अरिहंत की बुक आपकी परचेस किए और उसको आपका एक से दो बार अब तक लगा भी चुके हैं, लेकिन आपके प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपका वेरी कर जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, इसके हम लोग बात करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए माइंड मेकर गुरुजी यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि मिल सके आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। यह बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी बुक आपकी बेस्ट है और कौन सी बुक से आप प्रिपरेशन करके सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। तो मेरे हाथ में आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है और ये आपका अग्रवाल आपका एग्जाम कार्ड का बुक है। आपका सीचेस एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंट्रल हिंदू स्कूल लिखा है और अलग अलग आपके इसके बुक भी आते हैं। इसमें लिखा भी है कि बेस्ड ऑन NCERT सिलेबस एंड इंक्लूड्स 2019 पेपर और नीचे लिखा हुआ है कि अ कंप्लीट बुक टू पास द एग्जाम विद गुड मार्क्स। इसमें ऐसा लिखा हुआ है और आपके कुछ आपके अनसॉल्व मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं आपके बुक में और इसमें भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर आपके मेंशन किए गए हैं। और भी बहुत सारे बुक्स आते हैं, आपके साहित्य प्रतियोगिता, आपके एग्जाम दर्पण और आपके अलग अलग आते हैं, बहुत सारे बुक्स आते हैं, गाइडर पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं। मैं किसी का प्रॉपर वे में नाम नहीं लेना चाहूँगा। जो भी बुक आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, ये सारी बुक है। तो पहले आपके मन में एक डाउट आता था कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता था कि सर क्या आपकी इस बुक से पढ़ना बेटर होगा, क्या इस बुक से आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर होंगी, कौन सी बुक अच्छा है। ये सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ कि कैसे आपको स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपका सेट है 2020-21 या 22 जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस वे में कीजिए कि आपका अच्छे नंबर के साथ, अच्छे रैंक के साथ आपका क्लियर हो। तो जैसा कि हम बता दें कि आपके अरिहंत से क्या आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन पूरी तरीके से क्लियर होंगे, तो मेरा आपका आंसर रहेगा नहीं। जी हाँ, नहीं, आपका इस बुक से केवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके क्लियर नहीं होंगे। क्या इस बुक से आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर होंगे, तो मेरा फिर से जवाब रहेगा जी नहीं, इस बुक से आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं क्लियर होंगे। तो आखिर मामला क्या है, तो पूरी तरीके से मैं बता दूँ एक कंप्लीट आपको स्टडी प्लान के कैसे आपको पढ़ना है, किस बुक को फॉलो करना है, पूरी डिटेल में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले कि जिस आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका पेपर आप एनालिसिस कीजिए कि किस हिसाब से आपके पेपर आते हैं। जब तक आपको पेपर नहीं पता रहेगा कि पेपर उसका रियलिटी में क्या है और बुक्स में क्या पेपर दिया हुआ है, इसका अंतर आपको जब तक डिफरेंस पता नहीं रहेगा तब तक आप इस तरीके के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप सिलेबस को जानिए, सिलेबस क्या है। जी हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, आपको फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना है। जैसा कि इस बुक में आपका 6 का बेसिकली बुक है, लेकिन इसमें आपका डिटेल में बहुत सारे चैप्टर्स आपके मेंशन किए गए जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको क्लियरेंस कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए। सिलेबस आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और साथ ही मैंने चैनल पे भी अपडेट किया है वीडियो के फॉर्म में, उसको आप देख लीजिए। और अगर आपको सिलेबस नहीं मिल पा रहा है तो आप NCERT की बुक उठाइए और उसमें सिलेबस जो है आपको वही सिलेबस आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का है। सपोज कीजिए कि आप 9th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 7th 8th का जो सिलेबस है आप उसको रिफ़र कीजिए। अगर आप
11th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 9th 10th का NCERT का जो सिलेबस है आप उसको रिफ़र कीजिए, लेकिन एक सेलेक्टेड आपके चैप्टर है इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस अवेलेबल हैं उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। आप सिंगल बुक से एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर पा रहे, मैं किसी भी पब्लिकेशन को आपका ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी बुक ख़राब है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबने अपना बेस्ट कंटेंट और काफ़ी अच्छे लेवल पे, मैंने भी बुक को देखा है, काफ़ी अच्छे कंटेंट हैं, तो लेकिन कुछ चीज़ों को आपको इसमें और इंक्लूड करना पड़ेगा तभी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके क्लियर होंगे अच्छे रैंक के साथ और अच्छे मार्क्स के साथ। तो सबसे पहले आपको करना है कि सिलेबस की एनालिसिस करनी है कि सिलेबस क्या है, फर्स्ट पॉइंट सिलेबस की एनालिसिस कीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को रिफ़र कीजिए। दूसरे नंबर पर आता है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर जो बच्चे अभी तक सॉल्व नहीं किए उनको तो सॉल्व करना ही है, और जिन्होंने सॉल्व कर लिया है उसको कैसे एनालिसिस करनी है इसके लिए मैंने डिटेल में आपका 30 मिनट्स के नियर अबाउट वीडियो दिया है, उसको आप देखिए, मस्ट वॉच कीजिए, उसको आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस हम लोग डिटेल वे में करते हैं, आप बोल सकते हैं डिस्क्रिप्टिव वे में करते हैं, उसको आप देखिए, वहाँ से आपको क्लियरेंस हो जाएगा कि कैसे आपको प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करनी है। आपको लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है और आपका मैक्सिमम जितना आपके पास अवेलेबल हो जाता है उस प्रीवियस ईयर पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको 12-13 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जा रहा है तो मेरे चैनल पर जैसा कि हम बता दें आपके 10 साल के नियर अबाउट प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हैं तो उसको वहाँ से आप रेफर कीजिए, वीडियो के फॉर्म में है उसको आप वहाँ से देखिए। दूसरी चीज़ ये आती है कि आप बुक को रेफर करते हैं वो अच्छी बात है, और नेक्स्ट बात आती है कि आपको एनसीईआरटी को भी फॉलो करना है। एनसीईआरटी जो है किसी भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का बेस बुक होता है तो उसको आप रेफर किए बिना किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि आप प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आंसर की या किसी भी क्वेश्चन को आपको रटना नहीं है। जी हाँ, जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसको भी आप रट रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसके लिए आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, क्वेश्चन आपका नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहते हैं, उसमें आपकी वैल्यू चेंज कर सकती है, उसमें कॉन्सेप्ट भी चेंज हो सकते हैं, तो इसीलिए आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, आंसर की या सॉल्यूशन के पीछे न भागिए, सॉल्यूशन को देखिए जरूर लेकिन आप अपने हिसाब से पढ़िए। देखिए हर बच्चों का पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है, कोई आपका लिख के पढ़ता है, कोई आपका अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कोई आपका लिख के याद करता है किसी चीज़ को, कोई आपका डायरेक्टली याद कर लेता है, कोई देख कर याद कर लेता है, तो अलग अलग बच्चों का अपना पढ़ने का तरीका अलग है। आपको ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपने तरीके को पूरी तरीके से चेंज कर देना है, लेकिन कुछ पॉइंट आपको उसमें ऐड करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर हो गए और आपके एनालिसिस कैसे करनी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और जो भी बुक मार्केट में अवेलेबल है उसको रिफ़र कीजिए, ठीक है, उसको रिफ़र कीजिए, एटलीस्ट जो भी कंटेंट है उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और आपको एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो करना है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपके साइड बुक क्लास 11th के रिगार्डिंग आपका डायमंड का है जिसमें आपका साइंस क्लास 10 लिखा है, इसमें ऑल इन वन है, इसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। या आप एचएंड की बुक आती है, आप एनसीईआरटी के अलावा एचएंड को भी रेफ़र कर सकते हैं, या आपका एचएंड की बुक है, यह एचएंड की बुक है जिसमें आपका डिटेल में सभी चीज़ें दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी के अलावा आप एचएंड की बुक भी रेफ़र कर सकते हैं साइंस और फिजिक्स के लिए। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं पार्ट 2 लिखा हुआ है, केमिस्ट्री है आपका, इसमें आपका लखमीत सिंह और आपका मंजीत कौर के द्वारा लिखा गया है और एचएंड स्कूल यहाँ पे लिखा गया है, इसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। एचएंड पब्लिकेशन काफ़ी अच्छा है, इसमें डिटेल में दिया हुआ है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी आप रेफ़र कर सकते हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्लास 11th के रिगार्डिंग में बता रहा था मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ग्रुप के लिए, और दूसरी चीज़ें आपके आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। रीज़न यह है कि उसका सिलेबस फिक्स नहीं है, उसमें आपके रैंडमली सिलेबस हैं, कहीं से भी आपके जीएस पोर्शन का क्वेश्चन आपका फ्रेम किया जा सकता है, करेंट अफेयर से आपका रैंडमली क्वेश्चन पिक किया जाता है, कोई आपका प्रॉपर वे में आपका फिक्स्ड नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी फिक्स हैं कि आपका कुछ चीज़ें आप सेलेक्टिव वे में पढ़ते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कौन सा आपका जो नृत्य है कौन से राज्य से संबंध रखता है, जैसे आपका कथकली कौन से राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, यह सारी चीज़ें होंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और करेंट अफेयर में
में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको मैंने आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी बताया भी है चीज़ों को, तो उसको आप देखेंगे तो वहाँ से चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ यह है कि आपका जो 5 मार्क्स का मैथमेटिक्स आता है उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं, क्लास 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स की प्रिपरेशन करें। लेकिन 30 मार्क्स के लिए आपको ज़्यादा केयर करने की बात है, जो आपकी हिंदी और इंग्लिश पोर्सन है उसको एक अच्छे वे में प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो मेरे यहाँ से आप स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को मेंशन किया गया है और स्टूडेंट के प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए उसी पैटर्न पे आपका बनाया गया है कि आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, जिसमें हम लोग 1000+ क्वेश्चन या आप बोल सकते हैं क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आपकी पॉसिबिलिटी रहती है कि मैक्सिमम क्वेश्चन उस क्वेश्चन बैंक से ही आ जाए। या देख पा रहे हैं आपका मैथमेटिक्स का बुक है RD शर्मा, जी हाँ RD शर्मा बुक है, क्लास आपके 10th की RD शर्मा की बुक है, आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं इसको आप रेफ़र कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं RS अग्रवाल, इसमें भी काफ़ी अच्छे आपके क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। RS अग्रवाल को भी रेफ़र कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए RD शर्मा को भी रेफ़र कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल आपको सिंगल बुक से पूरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। जी आप क्लियर भी कर सकते हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे, अगर आप 11th की प्रिपरेशन करें, 9th की प्रिपरेशन करें, 6th की प्रिपरेशन करें, तो आप चीज़ों को रटने के पीछे न भागिए, आंसर के पीछे न भागिए, आप डिटेल सॉल्यूशन देखिए, थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस कीजिए। अभी आपके एग्जामिनेशन में नियर अबाउट आपका 1 से 1.5 मंथ का आपको टाइम मिला है, उसको आप अच्छे फॉर्म में यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए, आप अच्छे नोट्स को फॉलो कीजिए। एक बात और मैं कंसीडर करना चाहूँगा इसमें कि जैसे आपका कोई कॉन्सेप्ट बना हुआ है किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो बार बार आपको चेंज करने की उसको आवश्यकता नहीं है। अगर आप सॉलिड पढ़ते हैं किसी चीज़ को, तो अगर आपने पढ़ा है काफ़ी अच्छे लेवल पर, तो उसको बार बार आपको परेशान नहीं होना है। और दूसरी बात, आप अपने खुद के नोट्स को बनाइए, एक शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए और उसको फॉलो कीजिए, जो भी की पॉइंट्स हैं या याद रखने वाली चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके इंग्लिश और हिंदी में भी होती हैं, मैथमेटिक्स और आपके साइंस में भी फॉर्मूलाज होते हैं, उसको आपकी पॉइंट में नोट कीजिए, एक शॉर्ट नोट से डायरी बनाइए। देख पा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर भी मेरे हाथ में है, आपका क्लास 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप का है, इसको आप डिटेल आप सॉल्यूशन भी करना है, तो एक की नोट बना के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस मैंने बताई है उसको आप नोट डाउन कीजिए, अपने कॉपी पर नोट डाउन कीजिए और उसको मॉर्निंग में रेफर कीजिए, तो थोड़ा सा आपको अच्छा रहेगा कि कोई भी चीज़ याद करने में बार बार आपको प्रॉब्लम नहीं होंगी। जो भी चीज़ें याद करने वाली हैं उसको याद कीजिए, और जो भी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाली हैं उसको कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन है उसमें फार्मूलाज का कोरिलेशन रहता है, तो कोरिलेट करना आना चाहिए। जैसे आपके मैथमेटिक्स हो गए और आपके फिजिक्स के क्वेश्चन हो गए, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हो गए, तो उसके लिए आपको करना है कि उसके लिए प्रैक्टिस करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आप अरिहंत की बुक रिफ़र कर रहे हैं तो जो भी आपके उसमें एक्सरसाइज दिए गए हैं, एग्जाम कार्ड की बुक कर रहे हैं तो जो भी उसमें आपके चैप्टर दिए गए हैं, एक्सरसाइज दिए गए हैं, उसको आप रेफर कीजिए, उसको आप सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्यूशन नहीं आता तो उसमें सॉल्यूशन दिया उसको भी आप रेफर कीजिए। जल्दी कोशिश कर रहा हूँ एक बुक आपकी पब्लिश करने की, मे बी 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए बुक आपका पब्लिश कर दिया जाए मेरे द्वारा। जल्द SHS के रिगार्डिंग मटेरियल वगैरह बना दिया है, लेकिन 2020 में आपकी पब्लिश में भी ना हो पाए, लेकिन 2021 के लिए एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सके, ये आपकी पॉसिबिलिटी है बुक पब्लिश करने की 2021 में। मैं भी आपका पब्लिश कर दिया जाए, जिसमें आपके अच्छे कंटेंट सभी चीज़ों को आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप स्टडी मटेरियल के लिए या टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन कर लीजिए मेरे यहाँ की टेस्ट सीरीज। अगर आप चाहते हैं, ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि आप मेरे यहाँ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आप कहीं से भी प्रैक्टिस सेट कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। जब तक आप खुद की एनालिसिस नहीं करना आएगा, तब तक आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन को अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर नहीं कर सकते। देखिए, एक होता है गुड मार्क्स के साथ क्लियर करना, एक होता है कट ऑफ को पार करना, दोनों में अंतर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से अच्छे मार्क्स की बात कर रहा हूँ, आपको कट ऑफ पार करने की बात नहीं कर रहा हूँ। पास तो एग्जामिनेशन कर ही लेंगे, आप कोई भी बुक आप नॉर्मल वे में रिफर करेंगे तो भी पास कर लेंगे, लेकिन अगर आपको टॉप 10 में टॉप 3 में लाना है, जिससे आपके हॉस्टल प्रोवाइड हो जाए, जो आपके मेन कैंपस में हॉस्टल अवेलेबल हैं, अगर वह आप चाहते हैं, तो अच्छे नंबर के साथ आपको SHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करना होगा।
उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरीके की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।